गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सिविक्स चैप्टर 8 कंफ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। चैप्टर 8 कंफ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। टुडे वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्टिंग द राइट्स of Dalits and Adivasis. Protecting the rights of Dalits and Adivasis. In addition to the policies of our country, कंट्री ने अपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि इनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है, स्कॉलरशिप मिलते हैं, अगर उनको एडमिशन लेना है प्रोफेशनल कॉलेजेस में तो उनके लिए कट ऑफ मार्क्स। इस सब के अलावा, इस पॉलिसीज के अलावा भी कंट्री हैज ऑल्सो स्पेसिफिक लॉस दैट गार्ड उनको सुरक्षा के लिए अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लोइटेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। इसके अलावा भी अगर उनको डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लोइटेशन होता है एक कम्युनिटी मार्जिनलाइज को, तो उनके लिए स्पेसिफिक लॉज गार्ड्स उनके लिए सुरक्षा है। लेट अस रीड द फॉलोइंग केस स्टडी अडेप्टेड फ्रॉम ए रियल लाइफ अकाउंट टू अंडरस्टैंड हाउ दलित्स यूज द प्रोटेक्शन दैट लॉज प्रोवाइड द विलेजर्स। हम एक स्टोरी देखते हैं, इससे वेरी क्लियर हो जाएगा कि उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। गवर्नमेंट से The villagers of Chakmalgur are gearing up for a big festival. Once in 5 years, the local deity is honored and priests from 20 neighboring villages come for this 5-day event. आजू बाजू के जो 20 नेबरिंग विलेजेस से वो फेस्टिवल के लिए आते हैं। यहाँ पर 5 डे का इवेंट होता है और वहाँ पर लोकल डाइटी जो उनके भगवान है वो उनको ऑनर्ड करा जाता है। एंड द सेरेमनी जो त्यौहार है बिगिंस विद अ मेंबर ऑफ दलित्स कम्युनिटी वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल प्रिस्ट। जो प्रिस्ट मतलब जो धर्मगुरु होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं वो द स्टार्टिंग जब मतलब सेरेमनी स्टार्ट होती है तो उनके जो सारे प्रिस्ट के फीट को दलित कम्युनिटी में से कोई मेंबर उनके सारे पैरों को धोता है। एंड देन बाथिंग इन द वाटर यूज फॉर दिस इन चकमलगुर द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू द रत्नम्स फैमिली। हिज फादर एंड ग्रैंड फादर हैड बोथ परफॉर्म द सेम टास्क बिफोर। तो आज तक जो रत्नम फैमिली थे उनके फादर और उनके भी ग्रैंड फादर बोथ ये जो परफॉर्म दिस वर्क मतलब उनके जो फिट प्रिस्ट के दोनों होते थे सेम वर्क करते थे। थ्रू दे वर नेवर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। दो अगर वे उनको फेस्टिवल में सिर्फ एक काम वर्क के लिए कहा जाता था रत्नम फैमिली, बट उनको एंटरिंग टेम्पल में अंदर दाखला नहीं मिलता था। दिस रिचुअल ये जो प्रथा थी रिचुअल थी वॉज व्यूड एज अ ग्रेट ऑनर bestowed on them on the special occasion. Now it was Ratnam's turn. ये बार अभी रत्नम्स के पहले रत्नम्स के फादर करते थे फिर उनके उनके पहले उनके ग्रैंड फादर करते थे, पर अभी ये बोलते हैं कि वंश पारंपरिक होता है तो अभी जो रत्नम फैमिली मतलब रत्नम्स जो है ये उनका टर्न था। रत्नम्स वॉज ऑल ऑफ 20 years, 20 years का एक बॉय स्टडिंग इंजीनियरिंग इन अ नियर बाय कॉलेज, नजीकी कॉलेज में वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। ही रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिचुअल। नाउ ही वॉज अ एजुकेटिंग पर्सन, ही रिफ्यूज वो ये वर्क करना नहीं चाहता है। ही सेड दैट ही हैड नो फेथ, उसको कोई फेथ नहीं है, कोई उसके अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं है इन दिस प्रैक्टिस जो पैर धोने की प्रथा थी, रिचुअल था, बरसों से उनके फादर और फादर करते थे वो डिनाई कर देता है। एंड दैट हैज फैमिली मेंबर्स वर फोर्स और उनके फैमिली मेंबर्स रत्नम्स के कहते हैं फोर्स करते हैं टू परफॉर्म दिस रिचुअल कि आज तक हमारे फादर और फॉर फादर करते हैं रिचुअल को भी वही सेम करना है बिकॉज दे वर दलित। और उसको समझाते हैं कि बिकॉज वी वर दलित, हम दलित कास्ट के कम्युनिटी के इसके लिए हमको करना है। रत्नम्स रिफ्यूजल एंगर्ड बोथ द पावरफुल कास्ट इन द विलेज एंड सम फैमिलीज फ्रॉम दिस ओन कम्युनिटी। अभी जो रत्नम्स दलित कम्युनिटी का था तो उनके अलावा और भी गांव के जो थे उनके ओन कम्युनिटी के और थोड़ी मेजोरिटी पीपल जो का विलेज में थे पावरफुल कास्ट
मतलब अपर कास्ट उन्हें सबने ये जो रिफ्यूजल था उनके वजह से वो एंगर्ड हो गई, गुस्सा हो गई। तो बोथ कास्ट का मतलब है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। लोअर कास्ट में दलित और अपर कास्ट में गांव में जो थे वो सब इनके रिफ्यूजल मतलब ये जो रिचुअल्स हैं उसने मना कर दिया, उसे वो सब गुस्सा हो गए, एंगर्ड हो गए। द पावरफुल कास्ट वर शॉक्ड दैट सच, उनको ये बरसों से ऐसा आता है पर उनको ऐसा पावरफुल कास्ट अपर कास्ट को ऐसे लगा कि शॉक्ड हो गए, मतलब कि उनको एकदम से अद्भुत लगा कि सच यंग बॉय जो 20 साल का लड़का है रत्न हैड द गट्स, उनको इनके पास इतनी उसको रिफ्यूज कैसे कर सकता है वो, उसके पास इतनी हिम्मत है, गट्स है। दे बिलीव दैट इट वॉज रत्नम्स एजुकेशन, रत्नम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, कैसा लगता है रत्नम्स एजुकेशन विच अलाउड हिम टू इमेजिन दैट ही कुड स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विथ देम। तो जो पढ़ाई की वजह से रत्नम सब अपर कास्ट वैसे ऐसे समझने लगे कि रत्नम की पढ़ाई एजुकेशन की वजह से वो रत्नम हमारे कास्ट के साथ वो कंपेयर करने लगा है। दोस फ्रॉम रत्नम्स ओन कास्ट वर फियरफुल, अभी जो दलित कम्युनिटी के थे वो डरने लगे ऑफ एंगरिंग इन द पावरफुल। मेनी वर्क ऑन देयर फील्ड्स एज दैली विलेज वेज लेबरर्स, इफ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइडेड टू नॉट कॉल देम देन व्हाट वुड दे अर्न। अभी जो दलित कम्युनिटी के ऐसा सोचने लगे कि वो डेली वेज मतलब जो पूरा दिन होने के बाद जो मजूरी मिलती है उसमें वो आते थे, तो जो दलित कम्युनिटी फील्ड में जाकर अपर कास्ट के फील्ड में जाकर काम करते थे और उनको शाम को डेली वेज मिलता था, तो वैसे सोचने लगे कि अभी हमारे पर वो डिसाइड करेंगे, हमको ना कहेंगे फील्ड में आ वर्क करने के लिए, तो वो हम क्या कमाएंगे, व्हाट वुड वी अर्न, हाउ वुड दे सर्वाइव, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। दे ऑल्सो डिक्लेयर देर द वर्थ ऑफ द लोकल डायटी वुड स्ट्राइक देम इफ दे रिफ्यूज टू गिव इन। रत्नम आर्ग्यूड दैट गिवन दैट नॉट अ सिंगल दलित हैड एवर एंटर्ड द टेम्पल, रत्नम ने आर्ग्यू करा कि कभी भी कोई भी सिंगल दलित को टेम्पल के अंदर एंटर नहीं मिला, दाखिला नहीं मिला। हाउ कुड द डाइटी बी एंग्री विथ देम, तो कैसे हमारे साथ भगवान, हम मंदिर में ही नहीं गए तो जो भगवान है डाइटी है देवता वो हमारे पर कैसे एंग्री हो गए, ऐसे रत्नम ने समझाया। द पावरफुल कास्ट जो अपर कास्ट थी रत्नम्स के गांव की डिसाइडेड टू टीच रत्नम अ लेसन। तो पावरफुल कास्ट ने ऐसा समझा कि हमें रत्नम को लेसन टीच करना है, समझाना। हिज कम्युनिटी वॉज ऑर्डर्ड टू ऑस्ट्राइज हिम एंड हिज फैमिली एंड एवरी वन वॉज टोल्ड दैट नो वन शुड स्पीक और डू एनी वर्क फॉर देम और विद देम। तो जो अपर कास्ट वाले थे उन्होंने गाँव में कह दिया कि कोई भी उसको पढ़ाना नहीं है, उसके साथ बात करनी नहीं है, उनके साथ ऐसा व्यवहार रखना है। वन नाइट सम मैन एंटर देयर पार्ट ऑफ द विलेज एंड सेट हिज हॉट ऑन फायर, और थोड़े लोगों ने तो उसके जो घर था रत्नम का उसको फायर कर दिया, जला दिया। ही मैनेज टू एस्केप विथ हिज मदर, रत्नम अपने मदर के साथ बचाव करके निकल गए। रत्नम देन वेंट टू फाइल अ केस इन द लोकल पुलिस स्टेशन अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेट्स एक्ट 1989। अदर दलित फैमिलीज, तो रत्नम ने केस कर दिया पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस स्टेशन में, तो वो अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एससी एंड एसटी प्रिवेंशन एक्ट 1989। अदर दलित फैमिली स्टिल डिड नॉट कम आउट इन हिज सपोर्ट, कोई भी गांव में से कोई उसके दलित अलग जो कम्युनिटी थी फैमिली थी कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं है। एज दे वर स्कैर्ड, वो डरते थे दैट अ सिमिलर फेट कि उनके साथ भी ऐसा होगा माइट अवेट देम इफ दे स्पोक आउट, अगर उन्होंने कुछ भी रत्नम को हेल्प करा उनके बारे में कहा तो वो स्केयर थे, डरते थे कि हमारे साथ भी कल ऐसा व्यवहार हो सकता है। द केस वॉज पिक्ड अप बाय द लोकल मीडिया दैट लेड टू मैनी जर्नलिस्ट विजिटिंग द विलेज, तो जो लोकल मीडिया मतलब न्यूज में आ गया और सब जगह पर इसकी बात होने लगी, तो जो मैनी जर्नलिस्ट आई विजिटिंग विलेज में विजिट करने के लिए, रत्नम वॉज रिटर्न अबाउट एज अ सिंबल ऑफ दलित एक्शन, रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ बट हिज फैमिली वॉज फोर्स टू मूव आउट एज ए कंटिन्यू टू बी ऑब्स्ट्रक्ट बाय द पावरफुल कास्ट इन द विलेज। तो ये जो रत्नम थे वो सिंबल ऑफ दलित एक्शन, उसने एक एक सिंबल छोड़ा, उसने एक ऐसा दलित एक्शन करा के वो जो प्रथा थी उसको बंद करने के लिए,
रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ, अभी उसके बाद ही प्रथा नहीं हुई, बट हिज फैमिली वॉज फोर्स टू मूव आउट, उसकी फैमिली को वहां से जाना लगा एज दे कंटिन्यू टू बी ऑब्सेस्ड बाय द पावरफुल कास्ट इन द विलेज, तो जो पावरफुल कास्ट थी उसके वजह से उनको वहां से जाना पड़ा। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रिटोसिस एक्ट 1989, इस बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विद दिस वी सी इन द नेक्स्ट क्लास।